दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी ब्लूटूथ वाला एम्पलीफायर है तो आप अपने मोबाइल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उससे। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरे पास एक एम्पलीफायर है जो कि ब्लूटूथ सपोर्टर है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर है ब्लूटूथ और मैं इस मोबाइल से इस एम्पलीफायर को कनेक्ट करूँगा ब्लूटूथ से। फिर दोस्तों, जो भी मैं अपने मोबाइल में वीडियो या सॉन्ग सुनूँगा तो वो आवाज़ जो है मेरे मोबाइल में ना आकर के इस एम्पलीफायर के जरिए स्पीकर से आएगी। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से आप एम्पलीफायर को, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं एम्पलीफायर के अंदर ऑक्स मोड ओपन है, तो आपको मोड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग मोड आ जाएंगे, दोबारा से आपको क्लिक करना है तो आपके सामने आ जाएगा ब्लूटूथ मोड, यानी कि यहाँ पर BE लिखा आ जाएगा। तब दोस्तों ये BE लिखा आए तब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को ऑन करना है और उसमें ब्लूटूथ ओपन करनी है। ब्लूटूथ ओपन करने के बाद आप जो है अपने ब्लूटूथ को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर नीचे के जाके रिफ्रेश डिवाइस कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने आ जाएगा BT-V9। आपका दोस्तों अलग एम्पलीफायर होगा तो अलग नाम से आएगा, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टेड लिखा आ चुका है, बैटरी 100%, क्योंकि ये दोस्तों बैटरी से नहीं बिजली से चलता है, इस वजह से दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है हमारे एम्पलीफायर से। अब यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं आप। सिंपली आप इससे ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो आप गाने सुनेंगे वो एम्पलीफायर के जरिए स्पीकर में आएगी। तो मैं आपको एक गाना सुना के दिखा देता हूँ। इसमें ये एक NCS का नो कॉपीराइट साउंड है, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। मैं इसकी फुल आवाज़ कर दिए तो मैं इसको यहाँ पर रख के एम्पलीफायर की भी जो है आवाज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। तो देखा आपने, बड़े ही आसान तरीके से आप ब्लूटूथ से अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी इसी तरह का ब्लूटूथ सपोर्टर एम्पलीफायर खरीदना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।